हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर 1। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाहे आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलेबस हों, या फिर बीपीएससी के सिलेबस हों, या फिर किसी और राज्य के पीसीएस के सिलेबस हों, इंक्लूडिंग एसएससी आरआरबी, जितने भी सिलेबस हैं, इन सब में इतिहास का एक महत्वपूर्ण वेटेज है। और अगर इतिहास में देखें कि किस हिस्से का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो उसमें आप देखिएगा कि मॉडर्न के वेटेज के हिसाब से मॉडर्न आपका सबसे ज़रूरी पार्ट हो जाता है, फिर आपका मध्यकालीन आता है, और लास्ट में आपका प्राचीन यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आता है। अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आप बात कीजिएगा तो सबसे महत्वपूर्ण आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है, जिसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसका जो हिस्सा है उससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर पढ़ने के हिसाब से जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास होता है, यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री होता है। रीज़न ये है कि जो सोर्सेज हमें मिले हैं, जहाँ से हमने प्राचीन इतिहास के स्रोतों को जाना है, वो इतिहास या तो अभी कई मामलों में नगण्य हैं, या फिर अभी अंडर रिसर्च हैं, या फिर आप ऐसा कहिए कि अभी उनकी प्रामाणिकता जो है हर समाज में एक समान नहीं है। जैसे कुछ समय पहले की ही बात ले तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, हम लोग ने अखबारों में, न्यूज़ों में ये सब सुना होगा कि जो आर्यंस थे वो आर्यंस इन्वेडर्स थे। लेकिन 3-4 साल पहले कुछ इतिहासकारों के रिसर्च में ये साबित हुआ कि आर्यंस इन्वेडर्स नहीं थे, जबकि वो इस जो भारत भूमि है वहाँ के मूल निवासी हैं। तो प्राचीन इतिहास, जो कि काफ़ी पुराना इतिहास है, 5000 साल पुराने पीछे हमें जाना पड़ता है हमें अपनी सभ्यताओं के जड़ों को ढूंढने के लिए, वहाँ पे इस तरीके के जो कंट्रोवर्सी हैं और कॉन्फ्लिक्ट हैं वो हमें देखने को समाज के बीच में मिलता है। इसीलिए ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इस मामले में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके कई टर्म्स हैं जो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो सोर्सेज हमारे टेक्स्ट के हैं, जैसे चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, जो संस्कृत भाषा का प्रयोग उस वक्त होता था, उससे आज की जनरेशन जो है वो इतनी फैमिलियर नहीं है, इसलिए उनका उच्चारण या उनका लेखन खासकर अंग्रेजी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कि इतिहास जो हम पढ़ते हैं, इतिहास है क्या, इतिहास में अगर हम भारत के पहलू को पढ़ रहे हैं तो हम भारत को कहाँ पे रखते हैं उस इतिहास में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हिस्ट्री का स्रोत कहाँ है, हम जो इतिहास पढ़ते हैं उन इतिहासों को हमने किन सोर्सों से जमा किया है, खास करके जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके मामले में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भारत के बारे में, कि हम भारत के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरे आने वाले लेक्चर्स में भारत के ही प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री, दोनों की बात हम लोग इस तरीके से करेंगे। मैंने सबसे पहले एंशिएंट का ही पार्ट को उठाया है, क्योंकि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है इतिहास का पढ़ने में, उसमें ये सटीक बैठता है कि पुराने से नए की ओर बढ़ने में चीज़ें बेहतर समझ में आती है, खासकर जो टाइमलाइन हमें याद रहता है उसमें हम कनेक्शंस जोड़ पाते हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़िएगा तो इतिहास को याद रखना, समझना काफ़ी सरल हो जाता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे भारत के विभिन्न नाम लिखे हुए हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके के नाम हैं, और ये सारे नाम अलग अलग सोर्सेज से लिए गए हैं। कुछ के सोर्सेज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो आपकी परीक्षाओं में एक उचित स्थान रखता है। तो यहाँ जो मैंने आपको दो पहले सबसे ऊपर लिखा है, इसे अब मैं इसे कह सकता हूँ चतुस्थान संस्कृतम, इसे ये संस्कृत के उच्चारण में अगर मैं कहूँ तो ये चतुस्थान संस्कृतम है, जो पुराने वैदिक टेक्स्ट से ये लिया गया है। भारत की जो भौगोलिक भूमि है उसके आकार को देखते हुए ये नाम प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है। इसके अलावा भारत के और भी कई नाम हैं, जिसमें आप देखिएगा कि आर्यव्रत है, ब्रह्मव्रत है, हिंदुस्तान है, इंडिया, भारतवर्ष, होडू, जम्बूद्वीप, ऐसे कई नामों का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसमें से आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है वो आपका है इंडिया, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। तो ऐसे सवाल कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि हिंदुस्तान शब्द जो है, अब आप देखिए कि आप लोग ने अगर थोड़ा बहुत भी आपकी जानकारी होगी तो जो हिंदू शब्द है, जैसे कई लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म से हैं, कई लोग कहते हैं कि आजकल कहते हैं कि हिंदू धर्म से है, तो देखिए हिंदू नाम जो है वो हिंदू नाम अरब के जो ट्रेवलर्स थे या उनके साथ आए हुए जो कहानीकार या इतिहासकार थे, उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, देखिए मैंने लिख रखा हिंदुस्तान का जो टर्मोलॉजी है वो अलबेरूनी की किताब जो तहकीक हिंद है वहाँ से उठाया गया है, और भी कई सोर्सेज हैं। तो जब अरब पहली बार भारत आए तो उनका सामना सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से हुआ। चूँकि वो सिंधु का
उच्चारण प्रोनाउंसिएशन उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने स का उच्चारण ह में किया और वो सिंधु बन गया आपका हिंदू। तब से भारत में रहने वाले लोग और उसके मानने वाले लोग जो हैं वो हिंदू धर्म के माने जाते हैं। इसके बाद आप देखिए कि हिंदुस्तान शब्द जो है वो मध्यकालीन जो अरब के लोग भारत आए थे उनके द्वारा दिया गया नाम है, जिसमें अलबरूनी के जो टेक्स्ट हैं वो सबसे बड़े सोर्सेज माने जाते हैं। उसके बाद जो इंडिया नाम है, इंडिया नाम आप देखिएगा कि जो यूनानी ट्रेवलर्स थे और ख़ासकर आप जो जो जिसको हम लोग ग्रीक्स कहते हैं या फिर यूनानी कहते हैं हिंदी में, उन ग्रीक ट्रेवलर्सों के टेक्स्ट में पाया जाता है भारत नाम। साथ ही साथ देखिएगा भारतवर्ष जो आपको पाणिनि की अष्टाध्यायी में देखने को मिल जाएगी, एक बहुत रोचक नाम है। यहाँ पे जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो उसमें मैंने ये नाम पाया था आपको। होडू नाम जो है वो आप देखिएगा कि जो यहूदी धर्म के हमारे भाई लोग हैं उनके टेक्स्टों में ये बुक ऑफ एस्तर जो है वो बाइबल का ही पार्ट है तनक, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्राचीन भारतीय टेक्स्ट है जो पुराने किताबों में आप देखिएगा कि भारत को जम्बूद्वीप से प्रोनाउंस किया जाता है, तो ये जम्बूद्वीप का जो वर्णन है वो आप देखिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाया जाता है। तो माना जाता है कि पहले जो पूरा विश्व था वो 7 द्वीपों में विभाजित था और उन सभी द्वीपों का केंद्र जो था वो जम्बूद्वीप था। तो ये नाम मैंने लिख लिया, हालांकि आपके परीक्षा के संदर्भ से देखा जाए तो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो जम्बू, प्लाच, सालमली, कुश, क्रौंच, शक, पुष्कर, ये 7 द्वीप जो हैं वो माने जाते थे कि 7 द्वीपों में धरती का विभाजन हुआ है। तो ये थे भारत के कुछ चुनिंदा नाम, और ये नामों के जो स्रोत हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे उन संदर्भों में आपने इसे देखा। अब आइए बढ़ते हैं लेक्चर के दूसरे हिस्से पे, और उसमें हम लोग जानेंगे कि जो आप इतिहास पढ़ते हैं उन इतिहासों का जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो इसमें आप देखिएगा कि इस तरीके से हर किताबों में आपको अलग अलग से स्रोतों का जिक्र मिलेगा। यहाँ पे मैंने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। एक जो पहला हिस्सा है वो है आपका लिटरेरी सोर्सेज, और दूसरा हिस्सा जो है जिसे हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वेज या आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यानी पुरातात्विक जो स्थल हैं वहाँ से जो हमें प्रमाण मिलते हैं पुराने सभ्यताओं और संस्कृतियों के, उससे हम अपने इतिहास के स्रोत में शामिल करते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला सोर्स में देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज में। देखिए मैंने इसे यहाँ 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा है। जो पहला भाग है वो है रिलीजियस टेक्स्ट और दूसरा भाग है फॉरेन टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट में आपके वेद आ जाते हैं जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ और सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं हिंदू धर्म के। उसके बाद वेदांग आ जाते हैं, उपनिषद, आरण्यक, रामायण, महाभारत, बुद्ध और जैन टेक्स्ट आ जाते हैं। इन सभी में अलग अलग काल में भारत के सामाजिक, आप कह सकते हैं राजनीतिक और शैक्षिक जो व्यवस्था थी उसका वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि रामायण और महाभारत एक काव्य है, वहाँ से हमें जो अलग अलग समय काल है वहाँ की जानकारी मिलती है। उस समय का राजपाट हमें कैसे हैंडल किया जाता था वो हमें समझ में आता है। बुद्ध की जो टेक्स्ट हैं, कई टेक्स्ट आप जानते होंगे, जातक कथाओं का आपने सुना होगा, त्रिपिटक एक पवित्र किताब है बौद्ध धर्म में, वहाँ से हमें उस काल के धार्मिक और सामाजिक जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो अन्य ग्रंथ थे जैसे दीपवंश और महावंश, हमें वहाँ से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। जो जैन साहित्य है, सूत्र और आगम्स, यहाँ से हमें महावीर के जीवन काल और उनसे संबंधित घटनाओं का जिक्र हमें मिलता है। अगर बात की जाए फॉरेन टेक्स्ट की, तो फॉरेन टेक्स्ट में आप देखिएगा कि वैसे व्यक्ति जो कभी ना कभी किसी कारणवश से भारत या उसके आसपास के इलाकों में आए, उन्होंने भारत को जिस तरीके से देखा उस तरीके से उन्होंने अपने कहानी का में या फिर इतिहास लेखन में वर्णन किया है। उन स्रोतों से हमें पता चलता है कि उस समय भारत की शासन व्यवस्था और भारत की मुद्रा प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएँ किस तरीके से थी। इसमें आप देख लीजिए कि हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पितामह भी कहते हैं, टीशियस, मेगास्थनीस जिन्होंने इंडिका लिखी, जो कि उस वक्त मौर्य काल के शासन व्यवस्था के बारे में सबसे बेहतरीन वर्णन करता है। उसके बाद टॉलमी, स्ट्रैबो, ये सब जो महान इतिहासकार थे, फाहियान हो गए, हाइनसेंग जो हर्षवर्धन के समय पे नालंदा आए थे, इत्सिंग, सुलेमान, अर्मुनी, ETC, तो ऐसे कई इतिहासकार रहे हैं हमारे इतिहास में जिन्होंने भारत के अलग अलग कालों का अपनी नज़रों से जो देखा उसका वर्णन उन्होंने अपने टेक्स्टों में किया। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बुद्ध टेक्स्ट है वो हमें क्या बताता है। तो बौद्ध धर्म क्या जो शुरुआत है वो कैसे हुआ,
बहुत जो बुद्ध की जो लाइफ जीवन की घटनाएं हैं वो कैसे घटित हुई, और जो सामाजिक और कह सकते हो सांस्कृतिक जीवन था भारत का उस वक्त किस तरीके का था। उसके बाद आपका भगवती सूत्र आता है, इसमें आपके महावीर के जीवन काल का वर्णन है, और साथ ही जो इतिहास में प्राचीन इतिहास में जो हम 16 महाजनपदों का वर्णन पढ़ते हैं उसका जिक्र भी जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र में पाया जाता है। उसके बाद प्राचीन इतिहास में आप जाइएगा तो कश्मीर के बारे में जो वर्णन है वो आपको कल्हण की राज तरंगिणी में देखने को मिल जाती है। इंडिका का जैसे मैंने जिक्र किया उसमें आपको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी का जिक्र मिल जाएगा। फाहियान का जो लेखन है फोकॉव की, वहाँ पे आपको एजुकेशन, रिचुअल्स और पॉलिटी जो उस वक्त ये तीन अलग अलग विषय जो थे भारत में चल रहे थे उसके बारे में वर्णन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही मध्यकाल में जब आप आइएगा तो आप देखिएगा कि अलबिरूनी की जो किताब है तहकीक हिंद, वहाँ पर आपको भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिल जाएगा और संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। कहते हैं कि अलबुरी ने भारत जब आए थे तो उन्होंने यहाँ पर रह के संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, जिसके बाद उन्होंने ऐसे कई टेक्स्टों के अध्ययन किए थे जिसके बाद वो समझ पाए थे कि भारत में जो साहित्य है और काव्य है वो कितना उत्कृष्ट है, और इसका वर्णन उन्होंने अपनी किताब तहकीक हिंद में किया था। तो इतिहास के स्रोतों में जो लिटरेरी सोर्सेज थे इसमें आप इन सब चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं। ये चीज़ें डायरेक्ट आपके परीक्षाओं में नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने समझ को डेवलप करने के लिए इस बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आते हैं इतिहास के दूसरे सोर्स पे, जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं, या हिंदी में इसे पुरातात्विक स्रोत भी हम लोग कहते हैं।